लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम पूरी तरह से वैदिक सिद्धांत पर आधारित है। वेदों में जो वर्णन है वो आधार है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। यह सिद्धांत लिया गया है यथा दृष्टि तथा सृष्टि से। इसका अर्थ है हम जिस नजर से दुनिया को देख रहे हैं हमें दुनिया वैसे ही नजर आ रही है। यदि हम खुश हैं तो हमें हर तरफ खुशी का एहसास होता है, और यदि हमारे मन में खुशी नहीं है, यदि हमारा मन दुखी है तो हमें चारों तरफ उदासीनता ही नजर आएगी। आपकी सोच जैसी होगी दुनिया आपको वैसे ही नजर आएगी। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गौतम बुद्ध से समझे तो गौतम बुद्ध के एक स्टोरी में बताया गया है कि जब गौतम बुद्ध और उनके अनुयायी एक वन में चल रहे थे तो भ्रमण करने के दौरान एक व्यक्ति बुद्ध से पूछते हैं कि हे बुद्ध, आगे आने वाले नगर में कैसे लोग रहते हैं? तो बुद्ध का जवाब होता है कि आप पहले जिस नगर में रह रहे थे वहां के लोग कैसे थे? व्यक्ति ने जब वहां के लोगों के बारे में अच्छा बताया तो गौतम बुद्ध बोले कि जिस नगर में आप जा रहे हैं वहां के लोग भी अच्छे हैं। उसी तरह थोड़ी दूर और भ्रमण करने के बाद एक दूसरा व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, आगे आने वाले नगर में कैसे लोग रहते हैं? दरअसल मैं अपने नगर को छोड़कर दूसरे नगर जा रहा हूं। यह सुनकर गौतम बुद्ध पूछे कि ये बताओ कि पहले आप जिस नगर में रहते थे वहां पर कैसे लोग रहते थे? व्यक्ति बोला कि हे बुद्ध, वहां पर बहुत दुष्ट, कपटी और गलत संस्कार वाले लोग रहते थे। यह सुनकर बुद्ध ने बताया कि आप अभी जिस नगर में जा रहे हो वहां पर भी दुष्ट, कपटी और गलत संस्कार वाले लोग रहते हैं। मित्रों, यहां पर आपने ये देखा कि बुद्ध एक ही नगर में जाने वाले दो व्यक्तियों को दो तरह की बात बताई। गौतम बुद्ध ने भी यही सिखाया है कि आपकी सोच जैसी होगी दुनिया आपको वैसे ही नजर आएगी। आपके देखने का नजरिया आपके दुनिया को बदल सकती है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताया गया है। द सीक्रेट बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने के लिए तीन स्टेप बताए गए हैं। पहला ये कि मांगो जो भी तुम मांगना चाहते हो, कुदरत तुम्हें वो देगी। दूसरा स्टेप है विश्वास रखो, जो भी तुम मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। और आप इसकी कल्पना कीजिए कि आपको वह मिल गया है। सोचिए आपको महंगी गाड़ियां, बंगला चाहिए और वो आपको मिल गई है। ऐसे में वो आपको मिल जाएगी, पर इसमें बड़ी समस्या यह है कि आपको एक चीज के बारे में निरंतर सोचने का प्रयास करना होगा, उन इच्छाओं के पीछे भागना होगा। लेकिन अगर हम गौतम बुद्ध से समझे तो हमें अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं बल्कि अपने लक्ष्य के पीछे भागना है। इच्छा पूरी होने से हमारा लालच बढ़ता है और ना पूरी होने से मन में क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन लक्ष्य हमेशा हमें कोई कार्य की ओर ले जाता है। कोई चीज हासिल करना हमारा इच्छा है और एक सफल व्यक्ति बनना हमारा लक्ष्य। अब आप खुद सोचिए कि एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता, तो भगवान उसे इसलिए सफल नहीं बनाया क्योंकि वह अपने जीवन से निराश हो चुका है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति यह लालच कर रहा है कि उसे महंगी गाड़ियां मिलेगी, तो भगवान उसे इसलिए महंगी गाड़ियां नहीं देंगे क्योंकि उसे खुद पर अटूट विश्वास है। यहां लॉ ऑफ कर्मा यानी कर्मों के सिद्धांत भी जरूर लागू होंगे। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जबकि द सीक्रेट बुक यह दावा करती है कि अगर आप कर्म फल में पॉजिटिव हो तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अब यह जानिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन श्रीमद् भागवत गीता पर आधारित है। इसका पहला स्टेप है आस्क। यह स्टेप सीक्रेट बुक में जितना आसान बताया गया है यह उतना ही मुश्किल है। इस स्टेप के लिए एक बहुत बड़ा दिल चाहिए। अगर आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हो तो आप इस स्टेप को छोड़ सकते हो। असल में हम सभी के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होता है
जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, जो हमारा दुश्मन होता है, उसको हम कभी माफ नहीं कर पाते हैं। आपको भगवान से अपने दुश्मन के लिए खुशियाँ मांगनी चाहिए, उनकी खुशहाली जीवन के लिए दुआ करना चाहिए। जो चीज़ आप अपने लिए मांगते हैं, वो चीज़ आपको अपने दुश्मन के लिए मांगनी है। ऐसा करने से आपके लिए नरक का एक दरवाजा बंद हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में बताया गया है कि क्रोध को नरक का द्वार कहा जाता है। इसलिए जितना हो सके अपने दुश्मनों के प्रति क्रोध को कम कीजिए, उनके लिए भी अच्छी दुआ कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपका क्रोध कम होता जाएगा। दूसरा स्टेप है बिलीव एंड इमेजिन। आपको खुद पर और परमात्मा पर विश्वास रखना होगा। आप अपनी आंखें बंद करके भगवान के किसी भी रूप को कल्पना करें, उसका चित्र अपने मन में लगाइए, मन ही मन भगवान को देखिए और ये सोचिए कि आप जो भी कार्य करने जा रहे हो उसका निर्देश भगवान ने आपको दिया है। मैं कोई भी कार्य फल पाने की लालसा से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं हर कार्य भगवान को समर्पित करके कर रहा हूँ। आप ये सोचिए कि कल आप जो भी कार्य करने जा रहे हो वे आप खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि परमात्मा के लिए कर रहे हैं। ऐसा करने से आपके मन में लालच नहीं जगेगी, लेकिन आप ये भी सोचिएगा कि आपका कोई भी कार्य समाज के विरुद्ध और गलत ना हो। श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो कुछ भी तू करता है वो मुझको अर्पण कर दे। यहाँ श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अर्जुन, तू जो कुछ भी कार्य कर रहे हो वो भगवान को अर्पण कर दो और खुद को भगवान का सेवक समझो। अब हम बात उन चीज़ों पर करते हैं जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप उन चीज़ों को पूर्ण रूप से परमात्मा पर छोड़ दो। जिस चीज़ को आप नहीं कर पाओगे, आप उन चीज़ों को पूर्ण रूप से परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा पर पूर्णतः विश्वास रखो, बस उनके लिए प्रार्थना करो कि वह चीज़ आपको जरूर मिल जाएगी। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के जिस भी किसी रूप को पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करता है, भगवान उसकी श्रद्धा को टूटने नहीं देता है। श्री कृष्ण ने भागवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मेरे पर अपना मन लगाता है, मेरा ध्यान करता है, मैं उसे वो प्रदान करता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। परमात्मा पर विश्वास रखे और अपनी सारी समस्याओं को उनके हाथों में दे दे। आकर्षण के नियम का आखिरी स्टेप है अचीव, यानी भक्ति में शक्ति। भक्ति की शक्ति से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, पर यह बात ध्यान में रखिए कि आप अपने अंदर अहंकार का भाव को आने न दें, क्योंकि अहंकार का भाव हमारे मन और मस्तिष्क को विचलित करता है और इस तरह से हम अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। गौतम बुद्ध ने यह भी कहा है कि अगर कोई विचार या कोई अच्छे विचार आपके मन में आते हैं तो आप तुरंत उस पर एक्शन लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो समय बीतने के साथ नकारात्मक विचार भी आपके उन अच्छे विचारों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यानी आकर्षण के नियम को अपने जीवन में कैसे उपयोग करना है इसे ठीक से समझे होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट कीजिए। जितना हो सके मैं इसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता हूँ कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।